हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हुआ ये था कि कल मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू था इंदौर में। तो वहाँ मैं गया था इंटरव्यू देने। समथिंग वहाँ पे 200 से 250 या फिर 300 भी हो सकते हैं, मैंने गिना नहीं था, बट अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, इतने लोगों ने कल इंटरव्यू दिया था, जिसमें से पहले राउंड में कितने लोग सेलेक्ट हुए थे, अप्रॉक्स सेलेक्ट हुए थे 100 लोग। मतलब 250 में से सिर्फ और सिर्फ 100 लोग फर्स्ट राउंड को क्लियर कर पाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ था गाइस सेकंड राउंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वो इंटरव्यू था, जावा पे कंपनी काम करती है, तो वो इंटरव्यू था। फिर दूसरा क्या था, दूसरे राउंड में क्या हुआ कि वो उन 100 में से समथिंग कितने 50 या फिर 40, 50-45 लोग ऐसे कुछ बचे थे सेकंड राउंड, मतलब कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट तो हो ही गया था सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो गाइस, तो फिर इंटरव्यू मतलब कल का बहुत अच्छा रहा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैं उस कंपनी के सीईओ से भी मतलब उन्होंने मेरा सेकंड राउंड इंटरव्यू लिया था। अब मंडे को मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, अगर इसमें मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मुझे फाइनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी गाइस। तो इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत किया हुआ है, मैंने मतलब 8 महीने की मैंने ट्रेनिंग की हुई है जावा में, और 4 महीने मैंने जॉब के लिए भटका हूँ, मैं इधर उधर घूमा हूँ, बहुत जगह इंटरव्यू दिया हूँ, कभी सेलेक्ट तो नहीं हुआ हूँ कंपनीज में ज़्यादा, पर रिजेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ हूँ। ऑनलाइन मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए, पर मुझे उम्मीद है कि इस वाली कंपनी में मैं, क्योंकि मैंने टाइम मुझे लगा, मैंने बहुत अपनी असफलताओं से सीखा हुआ है। तो ये जो कंपनी है तो इसने मेरे को मंडे को 2 बजे के बाद बुलाया है, उन्होंने बोला है कि हम आपको ईमेल कर देंगे, आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों क्लियर हो चुका है, तो आपको अब सेकंड थर्ड राउंड देना पड़ेगा। तो मैं इस जॉब के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और इसी वजह से मैं जो था, तो मैंने कल इंटरव्यू नहीं, मतलब कि मैं कल ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाया था, बस रीज़न बस यही था और कोई रीज़न नहीं था। तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था। और दूसरा चीज़, अब जैसे मैं आपको स्क्रीन में नहीं दिखा सकता, मेरा फ़ोन जो है तो वो टूट चुका है, तो इसकी पूरी स्क्रीन ख़राब हो चुकी है और इसका कैमरा पूरी तरह से डैमेज मेरे को दिख रहा है, पर फिर भी मैं ये वीडियो को कैसे भी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी प्रॉब्लम है मैं रुकने नहीं चाहता हूँ। अगर मेरे पास 100 में से एक भी रीज़न है चीज़ को करने का, तो मैं उस चीज़ को करूँगा। 99 जो प्रॉब्लम है तो उनको झेलने के लिए तैयार हूँ। तो यही है गाइस, और वो जो जॉब है मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और अगर मेरा हो जाता है यार तो काफ़ी अच्छा होगा। मैं मतलब अपने माता पिता की हेल्प कर पाऊँगा, और जो 2-4 पैसे मिलेंगे उसको सही जगह इन्वेस्ट करूँगा, सही जगह यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को जब पैसा मिलेगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा गलत चीज़ें करूँगा, नहीं यार। मैंने देखा हुआ है यार कि इन सब चीज़ों को करने का कोई मतलब नहीं है, अपना जो कर्म है तो उसको सही डायरेक्शन में सही चीज़ों में लगाओ, है ना। मैं साइकिल भी खरीदने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अभी 2-3-4 महीने साइकिल ही चलाऊँगा, फिर उसके बाद ही बाइक लूँगा, वो भी सेकंड हैंड टाइप पे 10-15-20 हज़ार तक का। फिलहाल तो साइकिल ही चलाऊँगा 2-3 महीने, जिससे पैसे भी बचे और हेल्दी भी रहूँ, और बहुत ज़्यादा मैं शो ऑफ के चक्कर में नहीं हूँ, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे iPhone 13 14 Pro लेके ही चलना है। मैं सच में बताऊँ, मैं ऐसा इंसान अभी हो चुका हूँ कि मुझे अगर कीपैड मोबाइल भी मिलती है तो मैं उसमें भी खुश हूँ, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं कीपैड में भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं उसको यूज़ करूँगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यही सी चीज़ सब चीज़ थी गाइस। तो मैं आपको फाइनल वीडियो जो है तो मंडे के बाद ही, मंडे के बाद शाम तक में मैं बता पाऊँगा कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा। और जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जॉब है कठिन, पर अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत सरल है, बहुत सरल भी नहीं बोलूँगा, मतलब इतना करने के बाद तो मेरे को लगता है कि यार मतलब सॉफ्टवेयर एक्चुअली ऐसा चीज़ होता है कि आपको बनाना है, आपको खुद के लॉजिक यूज़ करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है, तो मतलब सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर इंटरनली काम कर रहा है, अपन ने एक बटन में क्लिक किया तो वो कैसे ओपन हो जा रहा है, ये अपन को काम करना पड़ता है। तो यही सब गाइस था, और कल का इंटरव्यू मेरा ऐसा ही था, बहुत अच्छा था, दोनों इंटरव्यू अच्छे गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू देने में। तो अब क्या है कि अब मंडे के लिए उन्होंने बोला हुआ है, तो अब मैं मंडे का वेट कर रहा हूँ गाइस। तो ठीक है गाइस, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक कर सकते हैं, थैंक यू सो मच गाइस।